हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टंडन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए गुजिया बनाते हैं। गुजिया बनाने के लिए जो मैंने सामग्री ली है वह 200 ग्राम मावा लिया है, वह मैंने घर पे ही दूध से निकाला है। आप भी घर पर दूध से मावा निकालिए। उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर बताई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, आप देख सकते हैं। 100 ग्राम मैंने बूरा खोपरा लिया है, 100 ग्राम मैंने चीनी बूरा लिया है, थोड़ी सी इलायची पाउडर लिया है और ड्राई फ्रूट में काजू बादाम पिस्तन की कतरन ली है, थोड़ी सी किशमिश ली है और थोड़ी सी चारो ली है। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और उसे सिम पे रखा हुआ है। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें मावा डाल रही हूँ और मावे को मैं सेकूँगी। लगभग 2 से 3 मिनट सेकूँगी, जब तक सेकूंगी जब तक ये हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। मावा सेकते हुए हमें 3 मिनट हो गए हैं और मावे का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब मैं बूरा खोपरा इसमें डाल रही हूँ ताकि ये भी साथ में सिक जाए और ड्राई फ्रूट जो काजू बादाम पिस्ता हमने कतरन ली है वो भी इसमें डाल रही हूँ। इलायची पीसी हुई इसमें डाल रही हूँ और चारोली भी इसमें डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह 2 मिनट तक सेकूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। बूरा शक्कर हम ठंडा होने पे इसमें डालेंगे। गुजिया का मसाला ठंडा होने देते हैं, तब तक हम गुजिया का आटा मल लेते हैं। एक बाउल लिया है मैंने और इसमें एक बाउल में मैदा डालूंगी जो कि मैंने बारीक छन्नी से छान लिया है। ये देखिए, ये एक बाउल मैदा है और इसमें मैं 4 चम्मच घी डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मल लूंगी घी के अंदर ताकि हमारा गुजिया खस्ता बने। ये देखिए, हम घी में मैदा मल रही हूँ और इसमें पानी की आवश्यकता होगी, तब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालूंगी। हमें आटा ज़्यादा नरम भी नहीं मलना और ज़्यादा कड़क भी नहीं मलना। ये देखिए, आटा हमारा अच्छी तरह से गूंथ चुका है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। गुजिया का मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम बूरा शक्कर डालेंगे। और किशमिश डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। आटे को रखे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, आटा हमारा थोड़ा नरम हो गया होगा और गुजिया बनाने के लायक हो गया होगा। ये देखिए, आटा बहुत अच्छा हो गया है। अब हम इसके गोले बनाएंगे। इस प्रकार से गोले बनाएंगे और ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। ये देखिए, ये हमारा गोला बन गया है। अब इसको बेलूंगी मैं। हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और ना ज़्यादा पतला बेलना है। ये गुजिया बनाने का साँचा है, देखिए। और हमने जो ये पेड़ा बेला है इसके किनारे पे हम पानी लगाएंगे ताकि वो हमारा गुजिया अच्छी तरह से चिपक जाए। और ये इसे गुजिया पे रखूंगी साँचे पे और इसके अंदर मसाला डाल रही हूँ। ये देखिए, और इसको अब बंद कर दूंगी। और जो ये एक्स्ट्रा है आटा, वो हम इसको वापस दोबारा यूज़ कर लेंगे।
यदि आपके पास सांचा नहीं है तो आप बिना सांचे के भी गुजिया बना सकते हैं। ये पेड़ा मैंने बेल लिया है, अब इसके किनारे पे मैं पानी लगा रही हूँ। पानी लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा मसाला बाहर निकल आएगा, चिपकेगा नहीं। चिपकाने के लिए पानी लगाना ज़रूरी है। मसाला डाल रही हूँ, ये देखिए, और इसको अब बंद कर दूंगी। अब मैं ये कांटे से इसका डिजाइन बनाती हूँ, देखिए। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। बिना सांचे के भी आप घर पर बहुत सुंदर तरीके से गुजिए बना सकते हैं। एक डिजाइन में आपको और बताती हूँ, ये देखिए, ये मैं पेड़ा बेल रही हूँ। और इसमें पानी लगाकर मसाला भरकर इसको बंद कर रही हूँ। और ये छोटा सा मेरे पास कांटा है, इससे मैं डिजाइन बना के आपको बता रही हूँ। इसी प्रकार हमें सारे गुजिए बनाने हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी हुई है और उसमें ऑयल डाला हुआ है। गैस को सिम पर रखा हुआ है और सिम पर ही हमें गुजिया तलने हैं। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें गुजिया डालेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं तलने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसे चेक कर लेते हैं। ये हल्का सा आटे का टुकड़ा डाल के इसको देख लेते हैं। ये देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ऑयल हमारा हो चुका है गरम, अब मैं इसमें गुजिए तलूंगी। ये देखिए मैं गुजिए डाल रही हूँ। आराम से बिल्कुल डालना है ताकि ऑयल उछले नहीं। और एक तरफ हमारी जब ब्राउन सिकाई हो जाएगी तब हम इसको पलटेंगे। एक साइड से हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसे पलट रही हूँ। देखिए दूसरी साइड भी हमें इसी प्रकार ब्राउन रखने हैं। दूसरी साइड से भी हमारे गुजिए ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसे प्लेट में बाहर निकाल रही हूँ। सिकाई आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कम करें या ज़्यादा करें। अब मैं दूसरे गुजिए भी इसमें डाल रही हूँ। इसी प्रकार मैं सारे गुजिए तलूंगी। ये गुजिया खाने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए कितना खस्ता बने हैं, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। यदि आपको मेरे गुजिया बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक शेयर एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट रेसिपी की आपको जानकारी समय पे मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी पे।